हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटी की डी यू। ये हमारा स्पेशल करंट अफेयर्स एमसीक्यू का वीडियो है फॉर आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए। ये हमारा पहला पार्ट है। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट aditic.edu.aditic.in और aditic.in से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। हमारा आंसर होगा मुंबई। बैंक बोर्ड्स ब्यूरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो। हमारा आंसर होगा बेंगलोर। इसरो, इसका फुल फॉर्म हमारा होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। हमारा आंसर होगा मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमारा आंसर होगा पुणे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्वीडन की राजधानी, तो हमारा आंसर होगा स्टॉकहोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेटा। पेटा का फुल फॉर्म हमारा होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, तो हमारा आंसर होगा यूएसए। पेटा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसका हेडक्वार्टर है यूएसए में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। हमारा आंसर होगा गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। हमारा आंसर होगा साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारा आंसर होगा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हमारा आंसर है न्यू दिल्ली। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। हमारा आंसर होगा मुंबई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। हमारा आंसर होगा काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा। फीफा का फुल फॉर्म हमारा होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। हमारा आंसर होगा स्विट्जरलैंड। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। हमारा आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। हमारा आंसर होगा येन। जापान की करेंसी, तो येन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमारा आंसर होगा पटियाला। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पटियाला में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मंगोलिया। हमारा आंसर होगा टॉगरॉग। मंगोलिया का करेंसी क्या है? तो टॉगरॉग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। हमारा आंसर होगा टाका। बांग्लादेश की करेंसी, तो टाका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव। हमारा आंसर होगा रूफिया। मालदीव का करेंसी क्या है? हमारा आंसर होगा रूफिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ सेवी, हमारा आंसर होगा मुंबई। सेवी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ न्यू अवार्ड अंडर विच नेम दैट वुड बी गिवन एवरी ईयर फॉर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ फर्दरिंग नेशनल इंटीग्रेशन, हमारा आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFCIOR हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी, हमारा आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, शॉर्ट फॉर हमारा हो गया IFCIOR, को एस्टेब्लिश्ड किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेंज ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल Agni-4 विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाई इंडिया, हमारा आंसर होगा 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर रेंज है न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4। Agni-4 का 4000 किलोमीटर का मारक क्षमता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन फेंसिंग फेडरेशन, हमारा आंसर होगा राजीव मेहता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फेयर्ड विद स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड, हमारा आंसर होगा सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच लोन वाज रिसीव्ड बाय इंडिया फ्रॉम जापान फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट विल बी यूज्ड टू बिल्ड चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट, हमारा आंसर होगा ₹6,668.46 करोड़। 6,668.46 करोड़ का लोन इंडिया को जापान के द्वारा दिया गया है, किस प्रोजेक्ट के लिए, तो चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड अटल कॉम्प्लेक्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओसनोग्राफी इन विच सिटी, हमारा आंसर होगा हैदराबाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।